Hello children, welcome to our YouTube channel Sanra Advanced Education. Today we will learn general knowledge of class 7th and today we will learn lesson 3rd. And 3rd lesson is about mammals. आप जानते हैं mammals कौन क्या होते हैं? जो mammals होते हैं वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं. इसके अलावा उनकी जो बॉडी है वो फर से या फिर जो बाल होते हैं पूरे बॉडी पर. इसके अलावा जो ममल्स हैं उनको एक ग्रुप में किया गया है, जैसे कि जो मूसल जो चूहे होते हैं, चूहे टाइप के एनिमल्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है, रेड टाइप एनिमल्स का, उसको रोडेंट बोला जाता है. इसके अलावा कुछ एनिमल्स कार्निवर्स होते हैं, उनको उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है. आज के इस लेसन में हम कुछ इसी तरीके के ग्रुप के ममल्स के कुछ ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे. Let's begin the lesson. Today we will learn general knowledge class 7th lesson 3 and lesson 3 is about mammals. इस लेसन में हम mammals के बारे में पढ़ेंगे. Let's begin study. A mammal is a type of animal that feeds milk to its young. जो ममल्स होते हैं एक इस तरीके के एनिमल होते हैं जो अपने बेबी को यंग वन को मिल्क पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं. दैट यूजुअली हैज़ हेयर और फर कवरिंग मोस्ट ऑफ इट्स स्किन. और ये जो ममल्स होते हैं एनिमल होते हैं इनकी पूरी बॉडी पर हेयर होते हैं या फिर फर होते हैं जो इनके पूरे शरीर को ढके हुए होते हैं. एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल ममल हैव ए हाईली डेवलप्ड ब्रेन. दूसरे एनिमल की तुलना में जो ममल्स होते हैं उनका जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है. देर आर डिफरेंट ग्रुप विद इन द ममलियन ग्रुप. यहाँ पर कुछ जो ममल्स हैं उनके ग्रुप को दिया हुआ है, अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स को दिया हुआ है. ममल्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. देखते हैं क्या ग्रुप्स दिए हुए हैं. नाउ लेट नो अबाउट टाइप ऑफ ममल्स. इधर टाइप दिए हैं और इधर एनिमल दिए हैं, टाइप और ग्रुप दिए हैं. सबसे पहला दिया है कार्निवर्स. कार्निवर्स मतलब जो मांसभक्षी होते हैं, मांस खाते हैं. इनमें कौन कौन से एनिमल हैं? पांडास, डॉग्स, फॉक्सेस, बियर, हेनास, मंगूस, वोल्फ और कैट्स, ये सभी कार्निवर्स एनिमल्स हैं. इसके अलावा रोडेंट्स दिए हैं. रोडेंट्स में ये जो रोडेंट्स हैं ये एक तरीके से चूहे के प्रकार की प्रजाति के एनिमल होते हैं, जैसे मूषक प्रजाति के. माइस है, रैट है और पोर्कुपाइंस है और वॉल्स है और बेवर्स, स्क्वेरल, ये सारे जो है चूहे जैसे दिखने वाले जानवर होते हैं. इसके बाद है नेक्स्ट वन इज मर्सुपियल्स. ये बैंडिकोट्स, ये जो है एक प्रकार का चूहा होता है, चूहे की प्रजाति है ये. कंगारूज एंड वोलोबीज और ओपोसम और कोलाज, ये एक तरीके से जो एनिमल है ये कंगारू की तरह दिखने वाले एनिमल होते हैं जो मर्सुपियल्स होते हैं. नेक्स्ट है प्राइमेट में मंकी, ये मंकी जैसे सारे जो है इसमें मंकी जैसे दिखने वाले एनिमल्स हैं. और गिबन्स, एप्स, लंगूर को कहते हैं. इसके अलावा लेमर्स और लोराइस और इसके अलावा टर्जर्स, ठीक है, ये सारे जो हैं मंकी जैसे दिखने वाले एनिमल होते हैं. उसके बाद है चिरोप्टेरा नाम है ये. और इसमें कौन से आते हैं? जो बैट्स होती हैं, चमगादड़ होती हैं, वो इसमें आती हैं चिरोप्टेरा में. नेक्स्ट है प्रोबोसीडिया, इसमें एलिफेंट आते हैं आपके. इसके अलावा ओड टोइड अंग अंगलेट्स,
इसमें वो एनिमल आते हैं जिनके पैर विषम मतलब अजीब से होते हैं, अलग से होते हैं, ठीक है। इसमें आपके जेब्रा आते हैं, रिनोज आते हैं, और हॉर्सेस और एस आते हैं। नेक्स्ट है इडेंट्स, इसमें कौन कौन से आते हैं, स्लोथ और आंटीटर। इस प्रकार की प्रजाति में स्लोथ और आंटीटर आते हैं, ये एक जैसे दिखने वाले एनिमल होते हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट वन इज सटेसा। सटेसा इसमें आपके आते हैं वेल्स है और पोर्पोसाइसिस डॉल्फिन। इसके अलावा नेक्स्ट वन इवन टॉयड अंगलेट, ये वो एनिमल होते हैं जिनके पैर जो हैं मतलब इवन होते हैं। इसमें ओकापी और हिप्पोपोटामस, और इसके अलावा डियर पिग, और ये है आपका डियर पिग और पोर्पोसिस और जिराफ आदि आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है मोनोट्रीम्स, इसमें डक बिल्ड प्लेट्रप्स आते हैं, प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस। नेक्स्ट है मैक्रो सीलिडिया, इसमें कौन से आते हैं, श्यूस आते हैं। और इसके अलावा पिनिपीडिया, इसमें वॉलरस, सी हॉर्स और सीज आते हैं। इसके अलावा लेगो मोर्फा, इसमें पिकास, हेयर्स और रैबिट, ये रैबिट के दिखने, रैबिट जैसे दिखने वाले एनिमल आते हैं। इसमें ये स्टूडेंट इसमें जो है ग्रुप किए हुए हैं, जो ममल्स हैं एक जैसे दिखने वाले होते हैं, जिनकी एक्टिविटी एक जैसी होती है, उन सबको ग्रुप्स में किया हुआ है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेसन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, और अगर कुछ समझ में ना आया है दोबारा से आप इसको देख लीजिएगा वीडियो को।